नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। तबलीगी जमात क्या देश के सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है? जाहिल जमातियों की गंदी हरकतों के लिए क्या देश के सारे मुसलमान जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। मुसलमानों के कुछ कथित खैरख्वाह इस तरह का नैरेटिव बनाने की एक नाकाम कोशिश में लगे हैं और इसमें कुछ लेफ्ट लिबरल मीडिया संस्थान भी उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका यह प्रोपेगेंडा बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले और उनको भेड़ बकरियों की तरह आगे करके अपना एजेंडा सेट करने वाले ये धूर्त किस्म के लोग शायद ये नहीं जानते कि अब इस देश का सच्चा मुसलमान आपकी इन चालाकियों में नहीं फंसने वाला है और वो आपके प्रोपेगेंडा को नाकाम करके रहेगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने, धर्मगुरुओं ने और स्कॉलर्स ने जमात और जमात के इन जाहिलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी सच्चाई लोगों के सामने लानी शुरू कर दी है। सबसे पहले सुनिए अयोध्या मामले में पैरोकार रहे इकबाल अंसारी को। देखिए, सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे देश का है। हम अपने देश के वफादार हैं, हम मुसलमान हैं तो देश के वफादार हैं। सवाल है जमातियों का। जमाती तो घूमते होते हैं, इनको जहाँ जगह जो है जगह मिल जाए वहीं सो गए, जहाँ खाना मिल जाए खा लिया। लेकिन आज का दौर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो चल रहा है, ये कोरोना की बीमारी, ये खास तौर से जमातियों में पाई जा रही है। जमातियों की तलाश भी हो रही है। पहले तो ये बुलाए जा रहे हैं कि आओ इलाज कराओ। ये क्यों लुके हुए हैं, इनको किस बात का डर है? जब सरकार सारी फैसिलिटी दे रही थी, दवा हो रहा है, सारी जो है सुविधाएँ मिल रही हैं, तो ये छुपे हुए हैं। ये देश के गद्दार हैं, ये देश के गद्दार हैं, छुपे हुए हैं, बीमारी को फैलाना चाह रहे हैं। इससे जो है मुसलमानों की बदनामी हो रही है, जो सच्चे मुसलमान हैं उनकी बदनामी हो रही है। ये जहां भी मिलें, क्योंकि ये घूमते हैं, जहां भी मिलें इनको ढूंढ करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और देश को बचाना चाहते हैं, देश के वफादार हैं, हम देश के गद्दार नहीं हैं। हम अपने देश में कोरोना की बीमारी फैलने नहीं देंगे। हमें चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि ये जहां मिले इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने, इकबाल अंसारी की माने तो इन जाहिल जमातियों की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है और ये छिपकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए इन गद्दारों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब जामा मस्जिद इस्लामपुर के इमाम को भी सुन लीजिए। इन्होंने तो दो कदम आगे बढ़ते हुए जमातियों को इस्लाम का ही दुश्मन बता दिया और जमात को दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। जमात है, जो मैं साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, ये वो जमात है, तबलीगी जमात, जो करबला के मैदान में, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया, यही वो जमात है। ये जमात कभी किसी का भला नहीं की और इस जमात से हमेशा सभी का नुकसान ही हुआ है, सभी धर्म का नुकसान हुआ है। इससे मैं कहता हूँ कि इस जमात पर सख्त से सख्त कड़ी सजा होनी चाहिए। और जो दिल्ली के अंदर दंगा हुआ है, फसाद हुआ है, ये तबलीगी जमात ने जो लोगों को इकट्ठा किया है, इस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मगुरु ही जमात के कारनामों के खिलाफ है, बल्कि मुस्लिम स्कॉलर्स भी इनकी मजम्मत कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से इस वीडियो के जरिए ये अपील करता हूँ कि तबलीगे जमात को कम से कम, लेट्स बी प्रैक्टिकल, एक साल के लिए हमारे कंट्री में बैन करना चाहिए, क्योंकि ये जमात एक ही जगह नहीं, पूरे देश में ये लोग घूमते हैं और आने वाले टाइम में पैंडेमिक का पीरियड है, खतरे का पीरियड है। एक साल के लिए जमात बैन हो, 3 साल के लिए इसमें फॉरेन नेशनल्स बैन हो, साउथ एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, यहां से। और जो ये साध है जिसके मैंने वीडियो सुने हैं यूट्यूब पर, इस आदमी के खिलाफ FIR तो एक अलग चीज है, NSA के प्रोविजंस इनैक्ट करने चाहिए। अगर हम NSA पढ़ते हैं तो उसकी एक कंडीशन है, अ पर्सन हु इज थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, मीन जो एक बुनियादी तौर पे एक समाज के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसके वीडियोस को हम आराम से एविडेंस बना के साथ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चला सकते हैं, जिसमें बेल का भी प्रोविजन नहीं है। 12 महीने तक आप किसी को जेल में रख सकते हैं, हर 3 महीने बाद आपकी इसमें एक बोर्ड सुनवाई करेगा कि आपको छोड़ा जाए या आपको ना छोड़ा जाए। आप है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वकील है और यूपी के रहने वाले हैं।
उन्होंने भी साफ लहजे में जमात का खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसे बैन करने तक की मांग कर डाली है। तो इन मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को सुनने के बाद अब एजेंडाबाज पत्रकारों और लिबरलों को यह समझ आ गया होगा कि जमात मतलब मुसलमान नहीं होता और जो अपराध कर रहे हैं उसके खिलाफ बोलना इस्लाम के खिलाफ बोलना नहीं होता, क्योंकि अपराधी की कोई जाति या मजहब नहीं होता। इसलिए इन अपराधियों को मजहब की आड़ में बचाने की कोशिश करने वाले भी अपराधी ही हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि जो जमात को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इन मुस्लिम स्कॉलर्स की बात सुनाई दे और उन तक ये वीडियो पहुंचे। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।